अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं sponsor.com का YouTube ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जी 64K बजट गेमिंग PC बिल्ड। इसमें जो जो कंपोनेंट हमने यूज़ किए उसके बारे में बताएंगे और इनकी प्राइस अपडेट देंगे आपको वीडियो में आगे चल के। लेकिन इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलते हैं जी आज की 64K बजट गेमिंग PC बिल्ड जो हम लेके हैं उसमें जो जो कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं यानी कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है उसके बारे में बताते हैं, फिर आगे चल के इनकी प्राइस अपडेट भी आपको देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। जो इस बिल्ड के अंदर हमने प्रोसेसर यूज़ किया है वो हमने i7 फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के अंदर यूज़ किया है और इसी तरह इसके साथ जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है वो हमने H81 मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड के साथ जो है यूज़ किया है। 2 RAM स्लॉट वाला मदरबोर्ड है, 4 SATA ड्राइव लगने की ऑप्शन है, 8 GB तक का कोई भी ग्राफिक कार्ड आप इसके अंदर जो है वो इजीली लगा सकते हैं और K सीरीज़ का प्रोसेसर भी जो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे i7 4 का K सीरीज़ का प्रोसेसर है वो भी आप इसके अंदर जो है वो इजीली लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जी इसकी रैम की। इस बिल्ड के अंदर हमने रैम यूज़ की है वो हमने 16 GB रैम यूज़ की है DDR3 में। DDR3 में 8-8 GB की 2 स्टिक हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की हैं 1600 MHz वाली। और इसी तरह इसके साथ जो हमने ड्राइव यूज़ की हैं उसमें हमने 128 GB की SSD हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ की है। और इसी तरह इसके साथ जो हमने HDD यूज़ की है वो हमने 500 GB की HDD हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है। केस की बात करें तो इस बिल के साथ हमने बिल्कुल नॉर्मल ब्रांडेड केस हमने इस बिल के साथ यूज़ की है। बाकी गेमिंग केस भी हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप गेमिंग केस भी लगवा सकते हैं, वो अपने बजट के हिसाब से आप इस बिल के साथ एडजस्ट करवा सकते हैं। PSU की बात करें तो जो इस बिल के साथ हमने PSU यूज़ की है वो हमने 500W की 80+ ब्रॉन्ज में PSU हमने इस बिल के साथ यूज़ की है। और जो ग्राफिक कार्ड हमने यूज़ किया है वो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इस बिल के साथ। पावर कलर में हमारे पास वो रेड ड्रैगन ग्राफिक कार्ड है, RX 580 8GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड है विद बॉक्स। ये ग्राफिक कार्ड हम आप लोगों के लिए लेके हैं तो ये विद बॉक्स ये ग्राफिक कार्ड आपको जो है वो इस बिल्ड के साथ मिलेगा। इसकी वारंटी भी आपको जो है वो 1 मंथ तक मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये थी 64K बजट गेमिंग PC बिल्ड की स्पेसिफिकेशन। अब इनकी प्राइस अपडेट देता हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके प्रोसेसर की प्राइस की ही बात करेंगे। जो इस बिल्ड के साथ हमने i7 फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है वो हमने 12K में इस बिल के साथ यूज़ किया है। और इसी तरह इसके साथ जो हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है वो हमने H81 मदरबोर्ड यूज़ किया है, वो हमने 6500 में इस बिल के साथ जो है यूज़ किया है। रैम की बात करें तो जो 8-8 GB की 2 स्टिक हमने इस बिल के साथ यूज़ की है यानी कि टोटल 16 GB रैम हमने इस बिल के साथ यूज़ की है वो हमने 5K यानी कि 5000 में इस बिल के साथ जो है यूज़ की है। 128 GB SSD की बात करें तो वो हमने इस बिल के साथ 3000 में इस बिल के साथ यूज़ की है। और 500 GB की जो HDD हमने इस बिल के साथ यूज़ की है वो हमने 2K में इस बिल के साथ जो है यूज़ की है। नेक्स्ट चलते हैं जी इसकी PSU की तरफ। जो इस बिल के साथ हमने PSU यूज़ की है 500W की 80+ ब्रॉन्ज में PSU हमने इस बिल के साथ यूज़ की है वो हमने यूज़ किया जी 6000 में, 80+ ब्रॉन्ज वाली जो है वो 6000 में हमने इस बिल के साथ जो है यूज़ की है। नेक्स्ट चलते हैं जी इसके केस की तरफ। जो नॉर्मल केस ब्रांडेड केस हमने इस बिल के साथ यूज़ किया है वो हमने 2500 में इस बिल के साथ यूज़ किया है। और गेमिंग केस जैसे मैंने आपको बताया कि वो यूज़ कर लगाना चाहें तो वो 7500 से स्टार्ट होती है उनकी रेंज, तो 20000 तक हमारे पास अवेलेबल है, वो आप जो है वो लगवा सकते हैं। लास्ट पे बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड की। जो इस बिल्ड के साथ हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है वो हमने पावर कलर में रेड ड्रैगन RX 580 8GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है विद बॉक्स। इस ग्राफिक कार्ड की मार्केट प्राइस विद बॉक्स 29000 है लेकिन हमने 27000 में इस बिल्ड के साथ जो है यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स ये थी 64K बजट गेमिंग PC बिल्ड की स्पेसिफिकेशन और प्राइस अपडेट। अगर आप ये बिल्ड या इसके अलावा कोई भी बिल्ड बाय करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शोर है, वहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा स्टोर विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारा स्टोर पर भी आके बाय कर सकते हैं, उसका एड्रेस भी मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपने पूछना हो, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का रेट लेना हो तो आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.skoonsa.com या आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह का मज़ीद मालूमती कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।